लजीज सा टेस्टी सा ट्राई करें और हमें कमेंट करें। सांभर के लिए यहाँ मैंने एक बाउल अरहर की दाल ली है, एक शिमला मिर्च, यहाँ पे मैंने लौकी लिया है 1 बाउल, 2 टमाटर यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया, 2 प्याज लिया है और यहाँ पे मैंने 2 आलू और 1 बैंगन लिया है, इसको मैंने पीसीज में कट कर लिया है। अब इसकी हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब इन सब वेजिटेबल्स को हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कुकर पानी लिया है, अब इसमें मैं दाल डाल दूंगी। तो यहाँ मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी, अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून नमक डालूंगी, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालूंगी मैं यहाँ। अब इसको विसल लगा लेंगे, 3 विसल। तो जब तक हमारी वेजिटेबल्स बॉईल हो रही है हम इसका तड़का तैयार करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी, थोड़ी सी यहाँ मैं सरसों डालूंगी, 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ, थोड़ी सी करी लीव, 4 सूखी लाल मिर्चें। अब यहाँ मैं थोड़ी सी मिर्च डालूंगी। अब यहाँ पे मैं प्याज डालूंगी, इनको सबको सॉटे कर लेना है। अब यहाँ मैं 1/2 टेबलस्पून नमक डालूंगी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, 1/2 टेबलस्पून नॉर्मल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून यहाँ मैं धनिया पाउडर डालूंगी और 1 टेबलस्पून यहाँ मैं सांभर मसाला डालूंगी, 1 टीस्पून यहाँ मैं किचन किंग डालूंगी। तो ये वेजिटेबल्स बॉईल हो चुके हैं, अब इसे हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैं 1/2 बाउल इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैंने वेजिटेबल्स सारी ट्रांसफ़र कर लिया, अब इसको हमें 15 मिनट के लिए पकाना है। तो ये गर्मा गर्म टेस्टी सा सांभर तैयार है, खाइए खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। बाय बाय, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तुसी करते रहियो जी।